कांग्रेस का राज 2012-13-14 में था, तब इन्फ्लेशन दर 11.12% थी और आज इन्फ्लेशन दर 4.83 है, 7% इन्फ्लेशन दर कम है, महंगाई कम है। अरे चीन से चंदा लोगे उससे काम नहीं चलेगा, चीन से चंदा लेने का काम करते हो, उसके अलावा कोई काम नहीं करते हो। अरे साउथ पोल में विश्व का कोई देश नहीं जा पाया, अगर चंद्रमा के साउथ पोल में कोई गया तो हमारा भारत गया, उस पे आपको भी गर्व होना चाहिए। माननीय सभापति जी, राहुल जी ने हमारे नेता, हमारे प्रतिपक्ष के साथी बार बार महंगाई की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1999 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, इन्फ्लेशन दर 4.67 थी, 2005 में 5.80 थी। जब कांग्रेस का राज 2012-13-14 में था, तब इन्फ्लेशन दर 11.12% थी और आज इन्फ्लेशन दर 4.83 है, 7% इन्फ्लेशन दर कम है, महंगाई कम है। आप कभी इसको देखते क्यों नहीं है? अब ये बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे, जरा आप बताएं, इनकम टैक्स के में जो कमी की गई है, 7,75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, उसमें सेक्शन 87A में उनको 7,75,000 तक का कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आपने कभी किया था? 2,00,000 रुपए ऐसे ज्यादा आपने कभी नहीं बढ़ाया। अभी लगभग 8,00,000 रुपए के बाद, डिडक्शन के बाद इनकम टैक्स नहीं लगेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं लॉ का छात्र भी रहा हूं, मैंने भारत के संविधान को भी पढ़ा है। भारत के संविधान में क्या लिखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की संकल्पना की गई है। मैंने तो अभी शुरू ही किया है सभापति जी। अरे चीन से चंदा लोगे उससे काम नहीं चलेगा, चीन से चंदा लेने का काम करते हो, उसके अलावा कोई काम नहीं करते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आपने कभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की थी क्या? खाली SC ST। माननीय सभापति महोदय, ये राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ गए थे, इन्होंने वहां का कांग्रेस के पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में कहा कि हर महिला को 500 रुपए महीने का देंगे। क्या हुआ, आपने नहीं दिया? आज छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार 1,000 रुपए महीना महिलाओं को दे रही है, 12,000 रुपए साल का दे रही है। प्लीज कंक्लूड द स्पीच। माननीय सभापति महोदय, प्लीज कंक्लूड द स्पीच। दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, ये भारत की कल्पना टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं, ये भारत की कल्पना पार्ट पार्ट में करते हैं। अगर टोटल में कोई भारत की परिकल्पना करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। हम विकसित भारत बनाने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों, आपके 60 साल में आपने कभी धारा 370 हटाई? आपने अयोध्या में प्रभु राम भगवान का मंदिर बनाया? आपने कभी कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म की? अरे साउथ पोल में विश्व का कोई देश नहीं जा पाया, अगर चंद्रमा के साउथ पोल में कोई गया तो हमारा भारत गया, उस पे आपको भी गर्व होना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर थी उसको 5वें नंबर पर और 3रे नंबर पर लाने वाले कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके बस की बात नहीं है। अरे भारत में अगर कोई हमला करता है तो उसके घर में घुसकर जाकर जवाब देने वाले कोई है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर कंडक्टर चिप्स का निर्माण कोई कर सकता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के राज्य में हो सकता है। भारत में 5G आ सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के राज में आ सकता है। अगर भारत में प्रतिदिन 2 महाविद्यालय खुल सकते हैं तो मोदी जी के राज में खुल सकते हैं। भारत में प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क बन सकती है तो मोदी जी के राज में हो सकते हैं। 5 राज्यों में किसान
क्रेडिट कार्ड बनाने की योजना लाई है, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक लोन देने की योजना लाई है, कारीगरों के लिए डोरमेट्री बनाने की योजना लाई है, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है, पेंशन भोगियों के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करोड़ कर दी है, प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ आवास बनेंगे, अभी मैं सुन रहा था, आपने कभी दिया क्या? राजीव जी के राज में 12,000 रुपए मिलते थे प्रधानमंत्री आवास के लिए, आज 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। शहरी आवास के लिए 1 करोड़ शहरी आवास बनाए जाएंगे। अरे आपने चांद में तिरंगा नहीं लहराया, मोदी जी ने चांद में भी तिरंगा लहरा दिया, गरीबों वंचितों को सम्मान दिया, किसानों का कल्याण किया, नारी शक्ति को ताकतवर बनाया। अरे अभी तो मनुष्यों के आधार कार्ड बन रहे हैं, अब मोदी जी के राज में किसानों के भी जमीनों के आधार कार्ड बनेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.